सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी इज बैक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक जा सके सबसे पहले। तो क्या फ्रेंड, आप सब भी विंडोज 11 का पासवर्ड भूल गए हो तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये विंडोज 11 का पासवर्ड रीसेट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, जो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव में डाटा है ना, वो कुछ भी डिलीट नहीं होगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। और फ्रेंड, जो आपका जो विंडोज है अगर वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लिंक है तो उस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि जो विंडोज है वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लिंक होता है तो उसका पासवर्ड कैसे आप सब फॉरगेट कर सकते हो, मतलब उसको कैसे रीसेट कर सकते हो। तो जो आपका विंडोज होता है वो माइक्रोसॉफ्ट से लिंक होता है तो वो कुछ इस तरह से होता है और नीचे लिखा रहता है आई फॉरगेट माई पिन। और जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे केस में वैसा नहीं है, मतलब इधर कुछ इस तरह से आ रहा है रीसेट पासवर्ड। तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट से अकाउंट लिंक है उस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो आप सब वो वीडियो देखिए, उसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लिंक नहीं होता है। तो जैसे देख पा रहे हैं लिंक नहीं है, मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, तो जैसे देख पा रहे हैं नीचे आ रहा है क्या, रीसेट पासवर्ड। तो फ्रेंड, पासवर्ड को रीसेट करने के लिए या फिर फॉरगेट करने के लिए तो उसके लिए क्या स्टेप फॉलो करना होगा, तो गाइस जैसे कि देख पा रहे पावर का बटन, तो इस पे क्लिक करना है, रिस्टार्ट कर लेना है पीसी को। एंड देन आपका पीसी जब ऑन होता है और उधर विंडोज का लोगो आता है तो आपको पीसी को ऑफ कर देना है पावर बटन प्रेस करके। देन फिर ऑन करना है लैपटॉप को, और जब भी विंडोज का आइकन आ रहा है तो आपको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। देन उसके बाद ऑन करोगे तो प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर में आ जाएगा। तो फ्रेंड, कुल मिला के आपको 2 से 3 बार ऑन करके ऑफ करना है, फिर ऑन करना है, एंड देन आप प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर में पहुंच जाओगे। तो चलिए करते हैं। तो ये दिख रहा है पावर जैसा आइकन, तो इस पे क्लिक करना है, रिस्टार्ट पे क्लिक करना है और रिस्टार्ट एनीवे पे क्लिक करना है, और ये स्टार्ट होने लगा। तो जैसे ही रिस्टार्ट होगा तो होने देते हैं, विंडोज का आइकन आया, ऑफ कर देना है पावर बटन प्रेस करके। मतलब पावर बटन को 3-4 सेकंड तक आप दबाए रखोगे, मतलब प्रेस करते ही रखोगे, ये शट डाउन हो जाएगा। फिर से एक बार क्लिक करके ऑन कर लेना है विंडोज को, तो ये ऑन हो जाएगा। फिर से हम पावर बटन प्रेस करके ऑफ कर देंगे, विंडोज का आइकन आ गया था, तो फिर से हम ऑन करेंगे, और जैसे कि देख पा रहे हैं प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर में आ चुका है। और गाइस उसके आगे कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाता है, तो हमें क्या करना है, इधर एडवांस ऑप्शन दिख रहा है आप सबको, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और कुछ इस तरह से खुल जाएगा। तो हमें ट्रबल शूट दिख रहा है इधर, ट्रबल शूट, तो उस पर क्लिक करना है। एंड एडवांस ऑप्शन दिख रहा है तो एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। हो सकता है कि उधर 2-3 ऑप्शन दिए, पर आप सबको क्या करना है, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और इधर हमें क्या करना होगा, ये जो दिख रहा है आप सबको सिस्टम इमेज रिकवरी, ये जो दिख रहा है आप सबको, ऊपर वाला में नहीं जाना है, सिस्टम रीस्टोर, सिस्टम इमेज रिकवरी आप सबको कहीं भी देखने को मिल सकता है। तो आप सबको क्या करना है, सिस्टम इमेज रिकवरी पे क्लिक कर देना है, और ये कुछ इस तरह से आ जाता है। तो हमें क्या करना है, कैंसिल पे क्लिक कर लेना है, और फिर हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा, और फिर हमें क्या करना है, इधर एडवांस का ऑप्शन दिख रहा है तो एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और नीचे वाला दिख रहा है आप सबको इंस्टॉलर ड्राइवर, तो उस पर क्लिक कर लेना है, एंड देन ओके पे क्लिक कर देना है, तो ये सिस्टम 32 खुल के आ जाएगा। तो इस तरह से आ जाता, तो आप सबको क्या करना है, ये जो दिस पीसी दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और आपका सारा ड्राइव आ जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव का। तो आप जिस ड्राइव में विंडोज को इंस्टॉल किए होंगे वो ड्राइव सिलेक्ट कर लेना है। तो बहुत लोग सी ड्राइव में विंडोज को इंस्टॉल किए होते हैं, तो आप उसी ड्राइव पे क्लिक करना और आ जाएगा। तो फिलहाल मैं नहीं किया उसी ड्राइव में इंस्टॉल, तो मैं क्या करूँगा, मैं जिस ड्राइव में इंस्टॉल किया उस ड्राइव को सिलेक्ट कर लूँगा। तो फिलहाल ये डी ड्राइव में मैं इंस्टॉल किया हूँ, तो इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ और ये खुल के आ जाएगा। तो आप सब सी ड्राइव में ही किए होंगे विंडोज़ को इंस्टॉल, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो हमें विंडोज़ पे क्लिक करना होगा, डबल क्लिक, और फिर हमें इधर सिस्टम 32 ढूंढना है। तो सिस्टम 32 कहाँ है, नीचे स्क्रॉल करना है और मिल जाएगा आप लोगों को, ये दिख पा रहे हैं सिस्टम 32, तो इस पर क्लिक कर देना है डबल क्लिक, और कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो इधर हमें क्या सर्च करना है, यूटिल मैन, तो नीचे मतलब जहाँ पे यू लिखा है वहाँ तक लाना है स्क्रॉल करके, या फिर जैसे भी करके यू नीचे करना, हाँ यू वाला मिल गया। अब इधर यूटिल मैन ढूंढना है हमें, यूटिल मैन, हाँ जैसे कि देख पा रहे यूटिल मैन हमें मिल चुका है। तो इस पर क्लिक कर देना एक बार, और राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर देना है, तो रीनेम पे क्लिक करना है और इसका नेम दे देना है यूटिल मैन 22 या फिर 11, जो भी आप दे सकते हो। ओके, तो मैं 22 दे रहा हूँ। ओके, और इसको हम क्या कर देंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। ओके, और इसको हम राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश कर लेंगे, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। अब हमें ढूंढना है CMD, तो सी जहाँ पे होगा वहाँ पे हम लाएंगे CMD। ओके,
CMD, हाँ जैसे कि देख पा रहे हैं CMD में मिल चुका है, और राइट क्लिक करेंगे और इसको भी रीनेम कर देना है। तो इसका रीनेम हम क्या कर देंगे, यूटिल मैन जो नीचे था ना, यूटिल मैन वही रीनेम हम इसको कर देंगे। तो हमें क्या देना है इधर, UTIL यूटिल MAN, ओके। और बड़ा वाला यू था फर्स्ट पे, तो हमें यू को क्या कर देना है, मतलब कैपिटल कर देना है, ओके। यूटिल मैन जैसे देख पा रहे हो चुका, और हमें एंटर बटन प्रेस करना है और रिफ्रेश कर देना है। तो हम इसको देख लेते हैं कि नेम चेंज हुआ है कि नहीं। तो आप सबको सर्च कर लेना है कि नेम चेंज हुआ नहीं। तो यूटिल मैन हम किए थे दोनों का नेम, मतलब एक को यूटिल मैन और एक को यूटिल मैन टू, तो सॉरी यूटिल मैन टू किए थे हम नेम उसको। तो जैसे कि देख पा रहे यूटिल मैन और यूटिल मैन टू हो चुका है। तो हमें क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है और इसको भी कैंसिल कर देना है और इसको भी कैंसिल कर देना है। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आप सबको क्या करना होगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। और फ्रेंड जैसे कि देख पा रहे कुछ इस तरह से आ गया। तो स्पेस का बटन प्रेस करना होगा तो इसका पासवर्ड देने का ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे कि देख पा रहे हैं आप सब, ये कुछ इस तरह से दिख जाएगा आइकॉन आप सबको एक्सेसिबिलिटी। तो ये जो मैन जैसा आइकन है तो इस पर क्लिक कर देना है और ये CMD खुल के आ जाएगा। तो हमें इधर यूजर को फाइंड करना है कि इस PC में कितना यूजर है। तो हमें क्या करना है, NET स्पेस यूजर और इंटर। जैसे कि देख पा रहे हैं बिना है, इसका क्या यूजर है बिना, और इसका एडमिन है मतलब यही है। तो बिना को हम क्या करेंगे, फॉरगेट करेंगे। तो इधर जैसे देख पा रहे हैं, तो इधर हमें क्या करना होगा, नेट USER टाइप करना, नेट USER नेट यूजर टाइप करना है, स्पेस देना है और बिनाई नेम देना है, BINAY बिनाई। और अगर सपोज मानिए कि बिनाई कुमार होता है जैसे करके बिनाई कुमार, तो आप लोगों को ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, आप लोगों को बिनाई कुमार तो देना ही है, ओके। तो हमें क्या करना है, इधर आके हमें क्या करना है, डबल कोट देना है। जैसे देख पा रहे डबल कोट दे दिया, आप लोगों को मिल जाएगा सिंबल, और इधर भी हम डबल कोट दे देंगे विदाउट स्पेस, स्पेस नहीं देना है और डबल कोट हमें देना है। अगर सिंगल नेम है तो कुछ नहीं देना है, जैसे कि देख पा रहे बिना है तो कुछ नहीं देना है। इसको क्या करेंगे, हम डबल कोट को हम हटा देंगे, ओके। तो डबल कोट को हम हटा दे रहे हैं, और हमें कुछ इस तरह से बिना ही दे देना है और एक स्पेस देना है हमें, इधर क्या देना है एक स्पेस, और जो स्टार वाला बटन है एक्सट्रिक वो प्रेस कर देना है। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और हमें इधर क्या करना होगा, हमें इंटर बटन हिट करना होगा, कीबोर्ड से मतलब इंटर बटन प्रेस करना है। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो बोला टाइप पासवर्ड फॉर द यूजर, तो हमें कुछ नहीं टाइप करना है और इंटर बटन प्रेस कर देना है। और फिर बोल रहा है टाइप द पासवर्ड टू कन्फर्म, तो इधर भी हमें कुछ नहीं करना है, एंटर बटन प्रेस कर देना है। और जैसे कि देख पा रहे थे कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, तो कुछ इस तरह से आ जाता है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो CMD है इसको कट कर देना है। और जैसे कि देख पा रहे कुछ इस तरह से आ गया, तो हमें क्या कर देना होगा, ये एरो जैसा बटन है तो इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे कि देख पा रहे हमारा कंप्यूटर विदाउट पासवर्ड का ये ओपन हो चुका है, और इधर कुछ डिलीट भी नहीं हुआ, जैसे कि देख पा रहे सब कुछ है ही इधर, ओके। जैसे कि देख पा रहे और सभी ड्राइव में डाटा सब है, वो सब जैसे देख पा रहे ये सब है ही, मतलब कुछ भी डिलीट ही नहीं हुआ है। सो होप गाइस कि आप सबको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में।